नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की 5 जानलेवा सड़क के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन पर से गुजरते हुए हर साल लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अगर आपको ड्राइविंग करना पसंद है तो भूलकर भी इन जगहों पर न जाएं, क्योंकि यहाँ जाना मतलब मौत को गले लगाने जैसा है। नंबर 5, केहिल क्रॉसिंग। मगरमच्छों से गुजरना इस रास्ते को और भी खतरनाक बना देता है, क्योंकि नदी को पार करते समय कई बार कार पानी के तेज बहाव के कारण पलट जाती है और उनमें मौजूद लोगों पर मगरमच्छ हमला कर देते हैं। इस रास्ते को जंगल के बीच होने के कारण आपकी सहायता करने के लिए कोई नहीं आ सकता है। नंबर 4, ट्रांसप्रोगेशन रोड। यह सड़क अपने टेढ़े मेढ़े आकार की वजह से काफी सुंदर लगती है, लेकिन इसका काला सच है कि इसके घुमावदार मोड़ की वजह से यहाँ पर कई एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसी वजह से इसे मौत के रास्ते के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से गुजरने वाले 100 लोगों में से 8 लोगों एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। कई लोगों ने तो इस सड़क के किनारे एक्सीडेंट में मरे लोगों की आत्माओं को देखने का दावा किया है। नंबर 3, जोजीला रोड। यह डरा देने वाली सड़क इंडिया के नॉर्थ में स्थित है, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क माना जाता है। बड़े से बड़े ड्राइवर भी इस सड़क पे जाने से पहले 1000 बार सोचते हैं, क्योंकि यहाँ की गई गलत चूक आपको मौत के घाट उतार सकती है। इस सड़क के एक और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, वहीं दूसरी ओर गहरी खाई है, फिर भी आप यहाँ पे लोगों को अपनी जान जोखिम में डालते हुए देख सकते हैं, क्योंकि पहाड़ियों के दूसरी ओर जाने का यह एकलौता रास्ता है। नंबर 2, वीटिंग पुल। अगर आपको कुछ तूफानी करना हो तो एक बार इस रास्ते पर जरूर जाएं। नदी के ऊपर बने इस पुल पर से गुजरना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आपका थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो आपकी गाड़ी सीधे नदी में जाके गिर जाएगी, जो आपकी मौत की वजह बन सकती है। नंबर 1, लिंडिस फार्नर रोड। क्या हो अगर आपकी कार नदी के बीच में फंस जाए और आप धीरे धीरे डूबने लगे। इस सड़क पर ऐसा हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि दिन के समय यहाँ पे सड़क आसानी से दिखाई देती है, लेकिन ऊंची लहरों के समय सड़क नदी में डूब जाती है और लोग नदी के बीच फंस जाते हैं। बहुत लोगों ने इस सड़क पे अपनी जान गंवा दी है, वहीं कई लोगों ने समय रहते हुए बचा लिया गया है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें।